अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं आज कढ़ाई, और बहुत मज़ेदार और सिंपल कढ़ाई है, जिसके लिए आपको चाहिए 1 किलो चिकन। आप कोई भी कट ले सकते हैं, एनी कट, कढ़ाई कट, नॉर्मल कट, एनी कट यू लाइक। उसके बाद हमने आधा किलो टमाटर लिए हैं, जो बीच में से कटे हुए हैं, वॉश्ड हुए हुए हैं। हमें हरी मिर्ची चाहिए, अदरक जुलियन कट चाहिए, धनिया चाहिए, और सर्विंग के लिए हमें चॉप चिली चाहिए। 1 कप हमें ऑयल चाहिए। और मसालों के अंदर बहुत सिंपल मसाले हैं, नमक है, पिसा हुआ गरम मसाला है, काली मिर्चें हैं, और मिक्स गरम मसाला है, जिसके अंदर लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची दोनों हैं। हमारा नमक 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून हमारा गरम मसाला है, और 1 टेबलस्पून हमारी काली मिर्चें हैं। चूँकि हमारे यहाँ स्पाइस ज़्यादा खाया जाता है, तो मैंने 1 टेबल रखा है। अगर आपके यहाँ स्पाइस कम खाया जाता है, तो आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। अभी हमने एक वॉक लेना है, उसके अंदर आपने 1 कप ऑयल डालना है। ऑयल को डाल के आपने उसको हीट अप करना है, हीट इतना थोड़ा सा हीट करना है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो, ठंडे ऑयल में नहीं डालना। उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल कि इसका जो पिंकिशपन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसके साथ सारा गरम मसाला डालना है, जो हमारे पास साबुत गरम मसाला था, उसके अंदर इसके साथ हमने नमक डालना है। नमक डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। आप देख रहे हैं फ्राई हो चुका है, और इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा है, ऑयल है, और सिर्फ चिकन है। अब हमने इसके अंदर कट हुए हुए अपने टमाटर डालने हैं, और इसको ऊपर हिलाए बगैर, ऊपर दम की तरह इसको रख के हमने इसको ढक देना है। ढक्कन देने के बाद हमें कम से कम 10 से 15 मिनट दरमियानी आंच के ऊपर इसको रखना है। इसके अंदर पानी नहीं डालना। टमाटर और चिकन ऑलरेडी अपना पानी इतना छोड़ेगा, तो आप देख सकते हैं इसमें पानी नहीं डला हुआ, इसने पानी कितना छोड़ा है। इसके बाद आपने इसके ऊपर से स्किन उतारनी है। टमाटर अपनी स्किन छोड़ देगा, अब आप इसकी स्किन रिमूव कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग स्किन मुँह में आता है तो पसंद नहीं करते। स्किन उतारने के बाद आपने इसको भुनना स्टार्ट करना है। अब इसकी भुनाई स्टार्ट होगी, तो आप देख रहे हैं कितना पानी है। हमने अब तेज़ आंच पे इसको भुनना स्टार्ट किया है, ये मिड में है, हमने इसका आधा पानी सुखा दिया है। अब हम इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे, जो कि है काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला, ये गरम मसाला है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है काली मिर्च, और आपने इसको भुनना है। भुनने से इसका जो ऑयल है वो आना शुरू हो जाएगा, और पानी इसका खुश्क हो जाएगा। इसको आपने तेज़ आंच पे करना है। इसके बाद आपने अपनी चॉप हुई हुई, मोटी चॉप हुई हुई हरी मिर्च डालनी है। मिर्च डाल के आपने थोड़ा सा इसको जो है वो भूनना है। आप देख रहे हैं इसकी शक्ल, पानी इसका ख़त्म होता जा रहा है, मसाला और ऑयल है ये सिर्फ, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब आप इसके ऊपर धनिया डालेंगे, और अदरक जुलियन कटा हुआ डालेंगे, और आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। ये आपकी कढ़ाई तैयार है, नान के साथ, घर की चपाती के साथ। बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल रेसिपी, आप ज़रूर इसको ट्राई करें।